Hello friends, good morning. So welcome to my channel Green Decor. So did you know when the best time for propagation? So today I am discuss about this. So main propagation time is March and April, the early summer. This is spring time. So this is the best time for propagation. So you can cut leaves branch from mother plant, or you put in water, or you can directly in the soil. तो water में क्या होता है, जल्दी जल्दी आपका rooting शुरू हो जाता है. soil में थोड़ा सा time लगता है. तो this is the best time for propagation. अगर आप देखोगे आपका kitchen में जो onion है, देखना onion का rooting देखो, अगर पानी में भी नहीं रखा ऐसे ही rooting शुरू हो गया तो क्या होता है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम. कोई भी प्लांट्स हो, कुछ भी हो, आप ऐसे ही रख दो ना, उसका रूटिंग देखना अभी शुरू हो जाएंगे. तो प्लांट्स के लिए तो बहुत बेस्ट टाइम है. दिस इज़ द कहीं भी देखोगे कि न्यू ग्रोथिंग शुरू हो गया. तो अप्रैल अगर जो प्लांट्स लवर हैं, तो अगर आप प्लांट्स को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, बहुत सारे करना चाहते हो, उसका जो ब्रांच है आप ब्रांच काट के, इसी टाइम है जो स्प्रिंग टाइम है, आप बहुत जल्दी जल्दी आपका प्रोपोगेशन में डाल दो, तो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी बहुत अच्छे से होते हैं एंड बहुत ही फास्ट ग्रो होते हैं. देखो मैं 7 या 10 डेज में, देखो 10 डेज पहले मैंने देखो डाल दिया था. बट मैंने क्या करती हूँ, आपको कटिंग करके ना आपको क्या करना है, विंडो साइड में रखना है. विंडो साइड में जो ब्राइट लाइट सनलाइट आएंगे ना, उसमें देखो रूटिंग शुरू हो गया. देखो इतना रूटिंग शुरू हो गया एंड इसका जो ग्रोथ है, देखो इसका जो पर्पल हार्ट प्लांट है, इसका जो ग्रोथ है देखो कितना अच्छा से बीक है. थोड़ा सा हाइट में भी हो गया, ग्रो हो गया अच्छा से. तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर प्रोपोगेशन. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो प्लांट लवर है, आप जो मेन मदर प्लांट है उसमें से कटिंग करके आप उसका प्रोपोगेशन कर सकते हो. देखो थोड़े दिन पहले मैंने इसका आपका अगर जो स्नेक प्लांट है, देखो जो कभी कभी जो लीव्स है ना बहुत ही ऐसे बेंड हो जाते हैं, तो उसको मैं उसको आप पूरा सॉइल से निकाल के ना पानी के अंदर डाल दो. देखो मैंने मेरा ना बहुत ही बेंड हो रहा था, मतलब गिर रहे थे, तो जैसे बहुत ही ढीले ढीले हो रहे थे. देखो मैंने पानी के अंदर डाल दिया और उसका देखो मैंने विंडो साइड में रख दिया. देखो इसका कितना जल्दी जल्दी, ऐसे स्नेक प्लांट में बहुत टाइम लगता है 4 से 5 मंथ, बट इसका इतना जल्दी 2 वीक्स, हार्डली 3 वीक्स हो गया. 3 वीक्स में देखो कितना अच्छा से ग्रोथ हुआ है. यहाँ पे भी देखो, देखो इसका देखो सब में ग्रोथ बहुत हो गया, और जो प्लांट्स है लीव्स पे भी, लीव्स भी बहुत स्ट्रेट हो गए. तो मैं सजेस्ट करूँगी जो आपका स्नेक प्लांट है मुरझा गया है, तो उसको आप सॉइल से निकाल के वाटर में रख दो एंड हीट एरिया में, जैसे विंडो साइड में हो, बालकनी में है, रख दो एंड 10-12 डेज में पानी को चेंज कर दो, तो बहुत अच्छा होगा. एंड देखो सब जगह में कहीं भी आप कोई भी प्लांट देखो, अगर आपके पास आपके घर पर प्लांट है तो आप चेक करो. देखो सब प्लांट पर देखो न्यू ग्रोथ शुरू हो गया. देखो न्यू, यहाँ पे देखो कितना अच्छा से न्यू ग्रोथ, देखो न्यू ग्रोथ एवरीवेयर, न्यू ग्रोथ देखो यहाँ पे भी, देखो ये देखो न्यू ग्रोथ, देखो न्यू ग्रोथ सब जगह में है ना, न्यू ग्रोथ देखो, ये देखो न्यू ग्रोथ शुरू हो गया. तो आप रूटिंग भी चेक करोगे ना, देखो 7 और 10 डेज के अंदर ना रूटिंग शुरू हो जाते हैं. इस टाइम जो है ना परफेक्ट टाइम है, स्प्रिंग टाइम और अर्ली समर, तो आप प्रोपोगेट करके उसको डाल सकते हो. देखो स्नेक प्लांट में मैंने डाला था, तो इसको देखो रूटिंग शुरू हो गए. तो इसको आप क्या करो, थोड़ा सा इसको अच्छे से इसको क्लीन करके डायरेक्ट सॉइल में आप रिपोर्ट कर सकते हो, और अगर आपको पानी के अंदर भी रखना है तो पानी के अंदर में भी न्यू लीव्स ग्रो हो जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बिग लीव्स है. दूसरा है देखो स्मॉल है, मैंने स्मॉल
जो बहुत सारे वैरायटी है स्नेक प्लांट में, तो उसमें से निकाल के आप पानी के अंदर रख दो। तो इसको जो है आप विंडो साइड में और हीट एरिया में रख दो है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी आपका शुरू हो जाएंगे रूटिंग। अगर आपको प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आप ऐसे नहीं कि जो हर बार आप मनी प्लांट जैसे आप एक से भी बहुत सारे मनी प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ऐसे नहीं कि जो आपको खरीदना है क्योंकि कॉस्टली भी है आजकल, बहुत ही प्लांट्स कॉस्टली आ रहे हैं। आप खरीदने जाओगे तो नर्सरी में एटलीस्ट 20 प्लांट्स आपको पहले तो 30-50 रुपीज़ में मिल जाता था, बट आपको ये चीज़ आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा, 100-150 ऐसे मिल जाएगा। तो इसको सो देखो यहाँ पे जो आपको ग्रोथ हो रही, न्यू ग्रोथ को भी आप काट सकते हो, और जो देखो जो ब्रांच हैं जो ओल्ड ब्रांच हैं वहाँ से भी आप कट करके आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे देखो कितना, ये देखो ये पूरा ब्रांच है, ब्रांच इसको आप कट करके बहुत ही अच्छा सा ग्रोथ हुआ है। इसको देखो इसको कट करके देखो अच्छा सा, तो इसको भी कट करके आप बहुत ही अच्छा से ग्रोथ कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि मदर प्लांट से उसको कट करेंगे तो उसका मतलब प्लांट्स बहुत ही ख़राब हो जाएंगे और कुछ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से जो मैंने टक किया ना, तो कट किया ना, तो उसी में भी देखना यहाँ से भी दूसरा ग्रोथिंग शुरू हो जाएंगे। मैंने तो बहुत सारे जो मदर प्लांट से कटिंग करके बहुत सारे मैंने मनी प्लांट ग्रो किया है। देखो यहाँ पे भी देखो बहुत सारे बहुत ही ईजी टू मेंटेन है, देखो कितने अच्छे से ग्रो हुआ है। ये मैं विंडो साइड में रखती हूँ इसलिए है कि बहुत क्योंकि ब्राइट लाइट भी चाहिए, डायरेक्ट में नहीं रखना, बहुत वो हो जाता है केवल लीव्स जो है ज़्यादा धूप से ना और डार्क येलो हो जाएंगे। देखो ये देखो इसका ग्रोथ देखो, देखो न्यू ग्रोथ। दिस इज़ द बेस्ट टाइम अगर आप चाहते हो कि आपको प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना है घर पे, तो आप यहाँ अभी बहुत ये टाइम है, आप उसको कटिंग करके डाल दो। देखो इसका भी रूटिंग शुरू हो गया है। अच्छा ऐसे नहीं कि आपको ट्रांसपेरेंट नहीं डालना है, देखो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है मैंने डाल दिया, बस विंडो साइड में रख दो और कोई भी जगह पे आपका इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आ रहे तो वहाँ पे रख दो। देखो ध्यान रखना वाटर जो है सॉल्टी नहीं होना चाहिए, वाटर सॉल्टी होते हैं तो ये रूट जो है गल जाएंगे, नहीं होंगे। देखो ये देखो न्यू ग्रोथ, ठीक है ना। अच्छा मैं 2 वीक्स पहले, देखो 2 वीक्स पहले मैं ये पर्पल हार्ट को देखो प्रोपोगेशन में डाला था। देखो देखो बहुत अच्छे से देखो रूट रूट हो, देखो रूट देखो कितने अच्छे से हुआ है। अच्छा देखो अंदर भी देखो लीव्स ग्रो हुआ है अच्छे से, देखो कितने अच्छे से ग्रो हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो हुआ है। इसका भी आप प्रोपोगेशन कर सकते हो। देखो कोई भी जो इंडोर प्लांट्स है आपके पास, जो एवरी इंडोर प्लांट्स यू कैन प्रोपोगेट, तो उसको ब्रांच से जॉइंट से कट कर दो एंड डिप इन इन वाटर। आप एक हट्ठे भी बहुत ही अच्छा लगते हैं डेकोरेट करके भी, बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे जॉइंट करके, जैसे एक हट्ठे जॉइंट करके सब कुछ रख सकते हो, बहुत दिखने में भी अच्छा लगे। देखो एंड आप और भी चीज़ लगा के रख सकते हो, स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया एंड पर्पल हार्ट प्लांट भी अगर आप रख सकते हो। देखो बहुत ही मिक्स अगर रखोगे ना देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। सो दिस मेन मेन पॉइंट ये है कि दिस इज़ द राइट टाइम दैट अर्ली समर जैसे मार्च एंड अप्रैल के आप प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रोपोगेटेड टाइम है मार्च एंड अप्रैल। तो आप अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद वीडियो देखने के बाद प्लीज़ प्रोपोगेट करना शुरू करो एंड कमेंट करके बताना आपने किया कि नहीं। ओके थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।